वैदिक ज्योतिष के अनुसार किसी भी राशि में बृहस्पति का गोचर जीवन में प्रगति लेकर आता है। बृहस्पति सभी देवताओं के गुरु माने जाते हैं और बृहस्पति ज्ञान कर्म संपत्ति के कारक भी माने जाते हैं। बृहस्पति का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। राशि बदलने पर इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। गुरु गोचर के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्म और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है। इस साल 22 अप्रैल 2023 को गुरु मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु का ये जो राशि परिवर्तन है ये गज लक्ष्मी योग भी बना रहा है। गुरु ग्रह का ये गोचर कुछ जातकों के लिए खुशहाली भी लेकर के आएगा। आइए जानते हैं कि बृहस्पति का इस गोचर का जो प्रभाव है किन किन राशियों की किस्मत चमकाएगा। तो नंबर एक है मेष राशि। मेष राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए बृहस्पति का गोचर बहुत ही अच्छा फलदायी साबित होगा। इस गोचर से मेष वालों को कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। पुराने रुके हुए जो कार्य हैं वो संपन्न होंगे। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से बीमारी है तो उस व्यक्ति की बीमारी ठीक हो सकती है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी आय में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन में जो मतभेद चल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। कैरियर में सफलता प्राप्त होगी। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नंबर दो है मिथुन राशि। गुरु के इस राशि परिवर्तन से मिथुन राशि वालों को पूरा लाभ प्राप्त होगा। भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। निवेश के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। जोखिम भरे कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी करने वालों को प्रमोशन और तरक्की प्राप्त होगी। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनके विवाह के योग बन रहे हैं। व्यापारिक लोगों को इस समय सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। नंबर तीन है कर्क राशि। गुरु के होने वाले इस राशि परिवर्तन से कर्क राशि के लोगों की तरक्की पूरी तरह से होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सम्मान में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में ऊंचा पद मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। इस गोचर के प्रभाव से रिश्तों में सुधार आएगा। बिजनेस से जुड़े मामलों में परिवार की राय जरूर ले लें। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बिजनेस में लाभ होगा। सेहत में सुधार होगी और वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा। नंबर चार है कन्या राशि। कन्या राशि पर इस गोचर का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कन्या राशि वालों के इस समय धर्म के कार्य में रुचि बढ़ सकती है। इस समय परिवार का साथ प्राप्त होगा। कन्या राशि वाले इस समय जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। धन लाभ प्राप्त होगा। नई क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त होगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह के योग बन रहे हैं। नंबर पाँच है मीन राशि। मीन राशि वालों का जो समय पुराना जो समय चल रहा था वो अब ठीक हो जाएगा और पूरी तरह से पूरी फल प्राप्त आपको प्राप्त होगा। जो नौकरी व्यवसाय वाले लोग हैं उनकी तरक्की होगी। साथ ही उस नौकरी से तरक्की भी आपको पूरी तरह से मिलेगी। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। सिंगल जातकों का विवाह होगा। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। पति पत्नी के बीच जो अनबन चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। लंबे समय से चल रही जो बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों ये था गुरु ग्रह का जो राशि परिवर्तन। पांच राशियों पर इसका विशेष प्रभाव रहेगा और ये पांच राशि वालों को पूरी तरह से लाभ प्राप्त होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।